हाय दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पेंडा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो ब्रांड के फोन रियलमी सी वन का। जानेंगे क्या मिलता है इस फोन में, क्या क्या था इस बॉक्स के साथ में, कैसा है फोन, कैसा परफॉर्मेंस है, गेम खेल के भी दिखाऊंगा, कैमरे का सैंपल भी दिखाऊंगा, सब कुछ इस फोन के बारे में बताने वाला हूँ। कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और न है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए फिर फटाफट घुसते इस वीडियो के अंदर और देखते हैं क्या इस फोन में है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद इस घंटे को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें शेयर बटन पे क्लिक करके। तो दोस्तों, मैंने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा है और बॉक्स के साथ में यहाँ पे आपको ऊपर में ये एक कवर मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट कवर है। आप इसका अपने फ़ोन के बैक कवर के लिए यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मैनुअल मिल जा रहा है और यहाँ पे सिम टूल मिल जा रहा है जो कि आप अपने सिम के ट्रे को निकालने के लिए यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक कागज का एक सेफ्टी के लिए लगा रखा था तो इसको साइड कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है एक, यहाँ पे आपको चार्जर मिल जा रहा है, अडेप्टर मिल जा रहा है जो कि ओप्पो के लोगों के साथ आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि रियलमी जो है ओप्पो की एक फ्लैगशिप कंपनी है। और यहाँ पे आपको एक डाटा केबल मिल जा रहा है जो कि आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए या फिर किसी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। और बॉक्स की बात की जाए तो काफी अच्छा पैकेजिंग था इसका, और बॉक्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे पैकेजिंग के साथ ये फ़ोन जो है आया है। और ये फ़ोन जो आता है आपको प्लास्टिक के कवर के साथ लपटा हुआ आता है। तो इसको साइड कर देते हैं, बात कर लेते हैं फ़ोन के लुक के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा पावर ऑन ऑफ की, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा साइड में आपको सिम ट्रे मिल जा रही है और वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिल जा रहा है। और नीचे में बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जा रहा है और यहाँ पे आपको मिनी यूएसबी पोर्ट मिल जा रहा है जो कि आप फ़ोन को चार्जिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक ऑडियो जैक मिल जा रही है जो कि आप ईयरफोन यूज कर सकते हो। और बैग में आपको रियलमी का लोगो मिल जा रहा है और बैग जो है काफ़ी शाइनी है मिरर जैसा, तो स्क्रेचेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इसके लिए आपको कवर यूज करना होगा। यहाँ पे आपको मिल जा रहा 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जा रहा है, साथ ही साथ फ्लैश लाइट मिल जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्ड करता है फ्लैश लाइट नाइट में इसका। और यहाँ पे आपको मिल जा रहा सेल्फी कैमरा। बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले जो है थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ऊपर निकला हुआ है, थोड़ा सा अनसेफ सा ये लगता है। और बात कर लेते हैं इसके स्क्रीन के बारे में, इसकी स्क्रीन जो है 6.2 इंच के साथ आती है जो कि HD प्लस डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती है इसमें, अच्छा लगता है इसका स्क्रीन देख के आपको। बात कर लेते हैं इस फोन के रैम के बारे में तो 2 GB का रैम मिलता है और डिवाइस का जो इंटरनल स्टोरेज है 16 GB मिलता है जो कि ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 6.37 GB यूज करने के लिए मिलता है। ऑलरेडी काफ़ी से भरा हुआ है तो आपको माइक्रो SD कार्ड लगाना जरूर पड़ेगा इसमें, और साथ ही साथ माइक्रो SD कार्ड लगा के आप 256 GB तक इसको बढ़ा भी सकते हो। और बात कर लेते हैं फ़ोन के बैटरी के बारे में तो 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है इसका, इसी वजह से फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। प्रोसेसर की बात करें तो ओक्टा कोर का 1.8 GHz का प्रोसेसर मिल जा रहा है स्नैपड्रैगन का 450, और एंड्रॉयड वर्जन आपको इसमें 8.1 मिल जा रहा है। और साथ ही साथ इस फोन में आपको फेस अनलॉक फीचर मिल जा रहा है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा है इसलिए सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक फीचर मिल जा रहा है इसमें आपको। और बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में तो इस फोन का कैमरा काफ़ी अच्छा है, ये मेन कैमरा है जो कि डुअल कैमरा के साथ आता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए इसमें तो आप इसमें फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो, HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और सेल्फी कैमरे में भी आप चाहो तो इसमें आपको फुल HD रिकॉर्डिंग मिलता है और साथ ही साथ आपको HD रिकॉर्डिंग मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सेल्फी कैमरे के साथ कुछ वीडियो शूट किया था तो काफ़ी अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है सेल्फी कैमरे का। और यहाँ पे मैंने डुअल कैमरा यूज करके फोटो क्लिक की है तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्लर किया है इसने बैकग्राउंड को। तो डुअल कैमरा का रिस्पॉन्ड काफ़ी अच्छा है, एक और इमेज मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है ये। और मैंने नॉर्मल कैमरे से फोटो क्लिक की है तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फोटो दे रहा है। और मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई है इसके मेन कैमरे से तो आप देख सकते हो कितना अच्छा रिकॉर्डिंग, एकदम फुल HD रिकॉर्डिंग करता है, काफ़ी अच्छा कलर आता है इसमें। और मैंने इसका सेल्फी कैमरे का यूज करके फोटो क्लिक किया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर थोड़ा सा अलग सा ये बना दे रहा है। और इस कैमरे में आपको स्लो मोशन रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, अटकता नहीं है। मैंने इसमें कुछ गेम भी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको गेम प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो ओवरऑल इस फोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो इस फोन को परचेज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।